नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का HM न्यूज की एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची आप अपने मोबाइल पर किस प्रकार निकाल सकते हैं और आप अपना उसमें नाम देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल HM न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सरकार की नई योजना की जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ें। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा PMAYG.NIC.IN। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने अभी टाइप किया है PMAJY.NIC.IN। इसी प्रकार से आपको भी अपने ब्राउज़र में टाइप करना है और आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। वेबसाइट अब ओपन हो चुकी है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको आवास सॉफ्ट के ऊपर इस पर क्लिक करना है। चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए अब हम रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। दोस्तों मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए वेबसाइट ओपन हो गई है, अब इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आएंगे और ई सेक्शन रिपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फोर्थ नंबर पे दिया गया है कैटेगरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। वेबसाइट ओपन हो रही है, अब ये पेज ओपन हो चुका है। अब इस पेज में सबसे पहले आपको अपनी स्टेट चुननी है, आप जिस प्रदेश से हैं आपको यहाँ पर चुनना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे और हाँ जी, हमने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया। अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, सर्वर लोड ले रहा है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो चुनेंगे। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है आप वो चुन सकते हैं, मैंने यहाँ पे हरदोई चुना हुआ है। अभी ये लोड ले रहा है, फिर से स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ब्लॉक चुननी है, आप जिस ब्लॉक से हैं वो चुन सकते हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली किसी भी एक ब्लॉक को चुन रहा हूँ, आप अपनी ब्लॉक को चुन सकते हैं। उसके बाद अब आपको अपना ग्राम चुनना है, आप जिस गांव में रहते हैं आपको वो चुनना होगा। चलिए सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप जिस भी गांव में रहते हैं, जो आपका गांव का नाम है, यहां पे आप उसको ढूंढ लेंगे। ढूंढने के बाद आप उस पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम ऐसे ही किसी एक पर क्लिक करते हैं। अब ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब हमको आप कैप्चा फिल करना होगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। ये करने के बाद अब हमको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक कर देते हैं सबमिट के ऊपर और ये वेबसाइट अब डाटा को लोड कर रही है। अब ये डाटा लोड हो चुका है और स्क्रॉल करेंगे, अब देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर ब्लॉक, फिर आपकी पंचायत का नाम, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसको इस लिस्ट में सूचित किया गया है, जो इसका पात्र है उसका नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके आप इसी प्रकार अपने गांव की सूची निकाल कर आप उसमें अपना नाम बड़ी ही आसानी के साथ फ़ोन पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की गवर्नमेंट से जुड़ी संबंधित वीडियो को देखने के लिए और जानकारी को समझने के लिए HM न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हम आपको सरकारी योजना से जुड़ी ऐसी ही वीडियो प्रदान कराते रहें। और अगर आपके मन में
कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। धन्यवाद।